नमस्कार दोस्तों, जितिन टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लॉगर पर पुश नोटिफिकेशन कैसे लगाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, pushengage.com। इस पे यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, रजिस्टर करना होगा अकाउंट। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप अपना वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट का मेन नेम होता है, जो सब डोमेन होता है, उसको यहाँ पे डालना पड़ता है। इसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करके मोबाइल नंबर डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है ऑफिशियल रहेगा। अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर अकाउंट कर लिया है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अब आपको मैं लिए चलता हूँ, जो आगे का डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये डैशबोर्ड खुल गया है और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन आ रहा है, योर ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड एट। तो यहाँ पे वेरीफाई कहने को कह रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक कोड आ रहा है, तो मैं अपना ईमेल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कि ईमेल कोई आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि कोई मेल आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेल तो नहीं आया है, उसको हम बाद में देखेंगे और सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड मिल जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल द पुशएंगेज स्क्रिप्ट, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन खुलेगा और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे वहाँ इंटरनेट जो है काफ़ी स्लो चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। दोस्तों, काफ़ी आसान है, आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेटिंग्स मिलेगी। तो अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जो वेबसाइट का लोगो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लोगो लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो है, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे चेंज पे, तो यहाँ पे आप जो है अपना लोगो लगा सकते हो। तो मैंने ये लोगो लगा दिया है और लोगो लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट इमेज कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अपडेट इमेज हो गया है। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है इमेज अपडेट हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चूज वेबसाइट टाइप एंड ऐड स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे HTTP अगर वेबसाइट है तो HTTP का आप कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा HTTPS का अगर आपको वेबसाइट है तो आप उसका कोड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है वो HTTPS पर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, वेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं HTTPS पे ये कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो ये कोड देख रहे हैं इसको हमें कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कॉपी कर सकते हैं इस कोड को। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई जो कोड है वो छूटे ना। तो यहाँ पर मैंने फाइनली इसको कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है अपने ब्लॉगर के कोड में चले जाइए, यानी कि जो कोडिंग होती है उसमें आपको जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल पे जो कोडिंग होती है ब्लॉगर की, वो ओपन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं एक जो है अपना एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाउनलोड थीम पर जाता हूँ, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जो थीम है कोडिंग की। तो यहाँ पर जो थीम है वो डाउनलोड हो गई है, हालांकि नेट काफ़ी स्लो चल रहा है मेरे यहाँ। तो डाउनलोड इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जाना होगा ड्रॉइड एडिट फ्री टूल पर।
दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक करना है, इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो लोकल में जाना है। लोकल में जो मैंने अभी डाउनलोड जो फाइल की थी उसको हमें पिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जस्ट नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। अभी अभी मैंने ये डाउनलोड की है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ हेड जो है सर्च करना होगा ये थीम में। तो सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हम हेड सर्च कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सर्च करना है हेड, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ऐप में मैंने हेड जो है टाइप कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हो सर्च पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है हेड मिल गया है। और इसको हमें हेड और बॉडी के बीच में जो मैंने कोड अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कोड है उसको हमें पेस्ट करना है। तो थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होगा एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद आपको पेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कोड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको दूसरा जो कोड है उसको आपको डालना है। तो मैं दूसरा कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से जो है इसको कॉपी कर लिया है, जो सारा का सारा कोड है उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे अब आपको दूसरा वाला कोड भी जो है डाल देना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जो कोड है वो दूसरा वाला भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कोड है वो मैं डाल देता हूँ, दूसरा वाला जो कोड है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे ऑप्शन पे जाना है, एडिट पे जाना है और पेस्ट पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला जो कोड है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको जाना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे जैसे ही आप जाते हो तो चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आता है, उसको हमें जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे इस तरीके से, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाओगे और यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड्स पर। और डाउनलोड्स जाने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले थीम के जो थीम है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो थीम है वो अपलोड सक्सेसफुली कर लिया है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने पुश नोटिफिकेशन लगाया है अपने ब्लॉग पे वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप जो है वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है पुश नोटिफिकेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाए। और यहाँ पे जो वेबसाइट है ओपन हो गई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन मैंने लगाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं बैक आता हूँ और स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी आ गया है। दोस्तों देख सकते हो आप, दिस वेबसाइट जितिन टेक्नोलॉजिया वुड लाइक टू सेंड पुश नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका पुश नोटिफिकेशन है वो वर्क करेगा। और यहाँ पे इसको आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, जितनी भी वेबसाइट पे पोस्ट पड़ेंगी वो उनकी सबकी आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप जो है पुश नोटिफिकेशन लगा सकते हो अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पे।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।